विवाद की बेटी रुखसाना बनी जज, एक साल में दूसरी बार पास की न्यायिक सेवा की परीक्षा, बधाई देने वालों का लगा तांता। बता दें कि शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़े जिले की बेटी रुखसाना ने एक बार फिर अपनी प्रतिभा का लोहा बनवाया है, जिन्होंने एक साल में दो बार अलग अलग राज्यों में न्यायिक सेवा की परीक्षा पास की है। मेवात गांव सुनारी की रहने वाली रुखसाना हरियाणा न्यायिक सेवा की जज बन गई हैं। रुखसाना ने इससे पहले पश्चिम बंगाल लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित न्यायिक सेवा परीक्षा में तीसरी रैंक हासिल कर अपनी सफलता का झंडा लहरा दिया। फिलहाल रुखसाना की दूसरी कामयाबी पर लोग सोशल मीडिया के साथ साथ घर पहुँच कर बधाई देने पहुँच रहे हैं। अपनी कामयाबी को लेकर रुखसाना ने कहा कि वह हरियाणा राज्य न्यायिक सेवा के लिए काफ़ी लंबे समय से मेहनत करने में जुटी हुई थी। बीते जनवरी माह में आवेदन किया, मार्च में प्रारंभिक परीक्षा हुई और फिर जुलाई माह में परीक्षा के बाद इंटरव्यू हुआ। मंगलवार को परिणाम आने पर लगा कि मेहनत का फल मिल गया है। उन्होंने कहा कि शुरू से ही गृह राज्य में सेवा देने का लक्ष्य था। पत्रकारों से बातचीत के दौरान रुखसाना ने कहा कि शुरू से ही गृह राज्य में सेवा देने का लक्ष्य था, जिसके लिए लगातार मेहनत में जुटी हुई थी। रुखसाना ने कहा कि शुरुआती पढ़ाई तावड़ू के मेवात मॉडल स्कूल से की, इसके बाद अलीगढ़ और जामिया यूनिवर्सिटी से पढ़ाई पूरी की। उन्होंने बताया कि खेल के प्रति भी उनका बहुत ज्यादा झुकाव था। खो खो, कबड्डी और दौड़ में वह हमेशा बढ़ चढ़कर भाग लेती थी। 12वीं के बाद उन्होंने उत्तर प्रदेश अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में प्रवेश लिया था, जहां पर उन्होंने यूनिवर्सिटी को एथलीट के रूप में स्वर्ण पदक दिलाया, लेकिन कानून की पढ़ाई करने में उनकी दिलचस्पी थी। रुखसाना ने न्याय के सुधार पर अपने विचार रखते हुए कहा कि संसाधनों में बदलाव के साथ साथ बहुत जरूरत है, गरीब और अमीर को समान स्तर पर न्याय मिले। इसके अलावा उन्होंने मेवात की बेटियों के लिए संदेश देते हुए कहा कि शिक्षा के माध्यम से ही महिलाओं में सुधार किया जा सकता है। फिलहाल मेवात में शिक्षा का स्तर बहुत कम है, जिसे बढ़ाने की जरूरत है। बेटी की कामयाबी पर रुखसाना के पिता और सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक से सेवानिवृत्त प्रबंधक एलियास ने कहा कि बेटी की शुरू से ही कानून की पढ़ाई में दिलचस्पी थी। बेटी की इच्छा पर अलीगढ़ और जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में प्रवेश दिलाया। उन्होंने बताया कि इससे पहले भी रुखसाना ने हरियाणा और उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा की परीक्षा दी थी, किसी कारणवश सफलता नहीं मिली, लेकिन बेटी का हौसला नहीं टूटा और फिर उन्होंने बंगाल न्यायिक सेवा की परीक्षा पास कर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। पिता ने बताया कि बेटी की पहली पसंद और इच्छा गृह राज्य हरियाणा। आप देख रहे हैं मेवात से लिया। पहले तो मैं आपका बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी कि आपने मुझे मुबारकबाद दी इस चीज के लिए, और मैं पूरे मेवात और पूरे क्षेत्र के लोगों का भी धन्यवाद करना चाहूंगी, क्योंकि कल से जैसे ही रिजल्ट आया है सब लोगों ने मुझे बहुत ज्यादा मुबारकबाद दी है। और बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मैं काफी टाइम से हरियाणा स्टेट के लिए जो है कोशिश कर रही थी, प्रिपरेशन कर रही थी। लास्ट अटेम्प्ट मेरा फेल हो गया था हरियाणा का, बट अभी मई में बंगाल के सिलेक्शन के बाद आई वॉज कंटिन्यूअसली प्रिपेयरिंग फॉर दिस सर्विसेज, और फाइनली कल मेरा रिजल्ट आ गया है एंड नाउ आई एम सिलेक्टेड इन हरियाणा ऑल्सो। तो मैं सबका बहुत शुक्रिया करना चाहूंगी, बधाइयों का जी। इसके फॉर्म्स तो जनवरी में ही आ गए थे, प्रीलिम्स हुआ था मार्च में जो कि चंडीगढ़ में हुआ था, उसके बाद इसका मेंस जो है जुलाई में हुआ था, वो भी पंचकुला में हुआ था, इसके बाद फिर हमारा इंटरव्यू हाईकोर्ट के प्रमाइसिस में हुआ था, और फिर कल इसका रिजल्ट अनाउंस हुआ है फाइनली, जिसमें काफी बच्चे सेलेक्ट हुए हैं पर मेवात से मैं ही एक सिलेक्शन ले पाई हूँ, तो बस बहुत खुशी है इस बात की जी। देखिए मेरा हमेशा से था गोल कि मुझे हरियाणा स्टेट ही लेना है, क्योंकि वो हमारा होम स्टेट है और यहाँ पे सेवा देना बहुत ज्यादा मेरे लिए गर्व की बात होगी, तो मैं हरियाणा को ही चूज करूंगी ऑब्वियसली, क्योंकि मैं इसी के लिए प्रिपेयर कर रही थी हमेशा से, तो मैं हरियाणा को चूज करूंगी। मैंने मेवात मॉडल स्कूल तावड़ू से अपनी स्कूलिंग करी है। जब मैं यहाँ पे होती थी तो मैं खो खो, कबड्डी एंड 100 मीटर रेसेस में काफी आगे रहती थी, और मैंने इंटर स्कूल खेला था यहाँ पे, देन मैंने फिर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, तो मैंने वहाँ पे यूनिवर्सिटी लेवल पे खेला एंड देन डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी खेला, बट क्योंकि मेरा हमेशा से इंटरेस्ट था कि मुझे लॉ पढ़ के आगे चल के जुडिशियल सर्विसेज करना है, तो फिर वो मैंने बीच में छोड़ दिया था अपना एथलेटिक्स जो है, बट हाँ मैंने यूनिवर्सिटी लेवल खेला और डिस्ट्रिक्ट लेवल खेला, और उस पर मैंने 100 मीटर रेस में गोल्ड मेडल भी लिया हुआ है जी। न्यायिक सेवा में वैसे तो सुधारों की अगर बात की जाए तो बहुत सारी चीजें हैं, बट मेजर जो हम लोग देखते हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर चेंजेस का भी बहुत ज्यादा जरूरत है,
दूसरा स्पीडी ट्रायल्स के लिए प्रोविजंस, वैसे तो अभी जो नया क्रिमिनल लॉ हमारा पास हुआ है उसमें स्पीडी ट्रायल के लिए बहुत सारी प्रावधान किए गए हैं, तो मैं उम्मीद करती हूँ अगर वो अच्छे से लागू किए जाएंगे तो वो स्पीडी ट्रायल होगा। दूसरा गरीब लोगों को, क्योंकि जस्टिस हर किसी का हक होना चाहिए तो उसमें अमीर या गरीब नहीं होना चाहिए, तो वैसे तो हमारे लॉ में प्रेजेंटली भी बहुत सारे ऐसे प्रावधान है जो कि अमीर गरीब किसी चीज को ना देखते हुए हर किसी के जस्टिस को इंश्योर करते हैं, तो मैं चाहूंगी कि ये सारे प्रोविजंस को हम बहुत अच्छे से इंश्योर कराएं और वो सिर्फ किताबों तक ना महदूद रह करके वो प्रैक्टिकल लाइफ में भी हो। तो मेरी तरफ से सिर्फ यही अभी फिलहाल की मेवात की बेटियों के लिए संदेश। मैं सारी मेवात की लड़कियों को एक संदेश देना चाहूंगी कि आप अपनी जिंदगी सिर्फ पढ़ाई के माध्यम से ही बदल सकते हैं, क्योंकि मेवात के क्षेत्र में डेवलपमेंट बहुत स्लो है, बट अगर आप एजुकेशन प्राप्त करेंगे और एजुकेशन के फील्ड में कुछ अच्छा करेंगे तो मैं मानती हूँ कि आप बहुत जल्दी अपनी एक नई पहचान बना लेंगे और अपनी लाइफ को बहुत चेंज कर लेंगे, तो बहुत अच्छा रहेगा। ऐसा है जी कि इन्होंने अपना बचपन से ही जो है ना न्यायिक सेवा में जाने के इरादे बता दिए थे। जब अब ये छोटी थी, 7th क्लास में पढ़ती थी, तो हमने इनसे पूछा था कि आप डॉक्टर बनोगी क्या बनोगी, तो इन्होंने उसी टाइम बोला था कि मैं जज बनना चाहती हूँ। तो उसके लिए हमने उसी समय से तैयारियां शुरू कर दी थी कि भी कहाँ कहाँ से इनको स्कूल या ला जो है डिग्री कहाँ से करानी है, तो उसी उस प्रोग्राम के तहत हमने इनको अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एडमिशन कराया था। उसके बाद इन्होंने ला की डिग्री भी वहीं से पूरी करी, फिर LLM के लिए इनका एडमिशन हमने जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी में करा दिया और ऊपर वाले की मेहरबानी से वहाँ से LLM पूरा कर लिया। और रिजल्ट ये रहा कि इन्होंने 2 स्टेट की न्यायिक सेवा में अपने झंडे गाड़ दिए हैं और बड़ा अच्छा लग रहा है। परिवार में कौन से नंबर की बेटी है? ये परिवार में 4th नंबर की बेटी है, मेरी 5 बेटियां। इसके अलावा और बच्चे क्या कर रहे हैं? मेरी जो सबसे बड़े वाली बेटी है उसने +2 किया हुआ है, उससे जो छोटी बेटी है उसकी शादी जो एक लड़का साइंटिस्ट है समरान नाम का उसके साथ हुई है, वो BSc BEd MSc Physics है। उससे छोटे वाली जो लड़की है आबिदा, वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से मैथमेटिक्स में PhD कर रही है, MPhil DU से किया था उन्होंने। और उसके बाद इन्हीं का रुखसाना का नंबर है, और इनसे छोटे वाली ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से BLLB करके LLM जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी से किया है, और वो भी अब न्यायिक सेवा की तैयारी कर रही है, और बदकिस्मती से 8 नंबर से वो इस मेंस में हरियाणा के में रह गई थी। ऐसा है देखो, बेटियों को पढ़ाना चाहिए, विकास मेवात का तभी संभव है जब औरत भी साथ जो है ना कामयाब होंगी, बच्चियां पढ़ेंगी। और मेरी जो बच्चियां हैं, मेरा लड़का ग्रेजुएट है लेकिन मेरी जो 4 बच्चियां जो हैं वो पोस्ट ग्रेजुएट हैं। और मैं तो मेवात वासियों से यही कहना चाहूँगा कि अगर आप लोगों ने विकास करना है तो बच्चियों की पढ़ाई की तरफ विशेष ध्यान देना पड़ेगा, और तभी मेवात का विकास जो है ना और मेव कौम का विकास संभव। मैं रुखसाना को सबसे पहले बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि उन्होंने अभी हरियाणा में जैसे कि सिलेक्शन लिया है, और मैं एक इंटरनेशनल प्लेयर होने के नाते, क्योंकि वो मेरे ब्लॉक की भी है और मेरे गांव के पास की भी है, तो मैं उनको तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ। और सभी मेवात की लड़कियों को मैं ये बोलता हूँ कि आप क्यों ना रुखसाना की बराबरी करो, जैसे रुखसाना ने आज एक हमारी मेवात का, हमारे समाज का नाम इतने आज बुलंदियों पर किया है। तो इसी तरह मैं सभी मेवात के लोगों से और सभी माँ बापों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप